गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आपके कपड़े धोने के बाद अगर आपके कपड़ों में से खुशबू नहीं आती, ऐसा लग रहा है कि धुलाई नहीं है, कितना भी अच्छा लिक्विड यूज़ कर लो, कितना भी अच्छा कुछ भी यूज़ करो फैब्रिक कंडीशनर, तो एक्चुअली मैंने दो फैब्रिक कंडीशनर, एक कंफर्ट और फैब्रिक ये सॉफ्ट टच का, दोनों का मैंने यूज़ करा हुआ है और ये वाला मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें क्या है, ये है विप्रो कंपनी का है, न्यू सॉफ्ट टच फैब्रिक कंडीशनर है ये, और ब्लैक कलर का है। इसके साथ एक छोटा सा बॉटल मिला था, उसको मैंने ख़त्म कर दिया। ये भी हाफ से भी ख़त्म होने वाला है और मैं इसे फेंकने वाली हूँ थोड़े दिन के बाद, या मतलब 2 या 3 या 1 हफ्ते के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा ये। तो ये है 2X फ्रेंच परफ्यूम आफ्टर वॉश। सो इसी वीडियो के लास्ट में आप साथ में अभी देख लेंगे, ये 1 मिनट का ही मैं अभी इसको बना रही हूँ, उसके बाद आप देखेंगे डेमो दिखाया मैंने किस तरीके से इसे वॉश करना है ऑटोमेटिक मशीन में। सो ये रहा 2X फैब्रिक है ये कंडीशनर, हाउ टू यूज़ ये रहा। इस तरीके से आपको कपड़े अगर नॉर्मली अगर आपको बाल्टी में धोना है तो भी धो सकते हैं, और अगर आपको मशीन वॉश करना है वो कि मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया है। तो अगर आपके कपड़ों की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप एक ढक्कन में भी काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये है 800 ml का है और जिसकी प्राइसिंग पे करी गई है 235 है, लेकिन मुझे शायद डिस्काउंट में मिला था जहाँ तक मुझे पता है, 220 के आसपास का था, तो एक साथ दो मिले थे मुझे। सो ये रहा, इट्स अ वेरी वेरी गुड फैब्रिक कंडीशनर। और आफ्टर वॉश करना है, आफ्टर वॉश लिखा है मतलब इन द सेंस जब आप कपड़े धो रहे होंगे तो सेम टाइम में आप कपड़ों के साथ भी इसको डाल सकते हैं, आफ्टर वॉश की कुछ खास जरूरत नहीं पड़ती। आफ्टर वॉश में क्या होता है कि आप कपड़े धुल गए उसके बाद आपने इसे डाल दिया है तो वो इतना अच्छा काम नहीं करता, वो मतलब चिपक सा जाएगा आपके कपड़ों पे। इससे बढ़िया है कि आप कपड़े धुलने के टाइम में आप डालें, मैं तो वैसे डालती हूँ, तो आप जिस भी तरीके से डाल सकते हैं आप उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर आप देखेंगे आगे कि इसका डेमो, थैंक यू। एक सो मैंने इसमें ऑलरेडी पानी फिल कर दिया है, वॉश करने से पहले आप पानी फिल कर दे रहे और फिर इसमें लिक्विड डालेंगे ना तो कपड़े काफ़ी अच्छे तरीके से वॉश होंगे। सो मैं अभी आपको ये रहा लिक्विड है इसमें। सो जो दूसरा वाला वो जो 5 लीटर का दिखा था उसको मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर रखा है, तो इसको मैं दिखाती हूँ किस तरीके से डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने लिक्विड डाला है, थोड़ा सा सर्फ डाला है और आपको डालना है ये रहा, ये है सॉफ्ट टच कंडीशनर, ये ब्लैक वाला है। तो अब इसको अच्छे से डालिए जिससे आपको फ्रेगनेस आएगी कपड़ों में। अगर बहुत ही गंदे कपड़े हो गए तो फिर इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फटाफट मैं कपड़ों को करती हूँ टेप इसमें और फिर वॉश साइकिल चलाते हैं। सो अभी मैं क्या करूँगी, थोड़ी देर तक इन्हें सोख होने दूँगी, बिकॉज जो फ्रेगनेस गंदे गंदे स्मेल है वो इसमें थोड़ी देर तक स्टे करेंगे, अच्छे लिक्विड में साफ पानी में, तो थोड़ी देर तक मैं इसको रहने दूँगी। उसके बाद 5 मिनट्स या जितना भी मेरे को टाइम मिलेगा उस हिसाब से मैं इसको ऑन कर दूँगी और साइकिल चलेगा, वो चलेगा 33 मिनट्स का ही। तो अभी मैंने इसे पॉज कर रखा है और अगर आपको जाना होगा किस तरीके जाना तो मैं शॉर्ट वीडियो बना दूँ, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। चुका है 10 मिनट्स, अब मैं इसे करूँगी ऑन, मुझे करना है क्विक साइकिल और यहाँ पे मेरे को पानी का है वो 3 करना है स्टार्ट। सो इसमें पानी स्टार्ट हो जाएगा। सो अगर आपको अगर कपड़े से बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आती है तो आपको इस तरीके से कपड़े वॉश करने, स्पेशल सॉफ्ट टच जो कि बहुत ही बढ़िया होता है, उसके साथ अपना लिक्विड आप अपने पसंद का कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपके पास कपड़े बहुत ही गंदा वाला फ्रेगनेंस है तो डेफिनेटली आप इसको यूज़ करिए, बहुत ही अच्छा है। और ये देख सकते हैं 2X फ्रेंच परफ्यूम आफ्टर वॉश जैसे स्मेल आती है जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो ये रहा किस तरीके से आपको डालना, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है विथ प्राइसिंग। तो अभी और वॉश हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कपड़े सारे के सारे वॉश हो गए हैं, और सबसे ज़्यादा जिसमें जो स्मेल आती है वो होता है टॉवल्स, और ये बहुत ही बढ़िया साफ है। तो ज़रूर आप ये ट्रिक आजमाइए और ये वाला आप फैब्रिक सॉफ्टनर ज़रूर लीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, थैंक यू।